फ्रेंड्स, जयंग, मैं सस्पी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डाइट प्लान। कोविड पेशेंट्स जो इन्फेक्टेड हैं या फिर जो नॉन इन्फेक्टेड हैं या फिर ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि रिकवर कर चुके हैं, यानी पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के डाइट प्लान की बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये देख लीजिए, आई एम ए कंसल्टेंट फार्मासिस्ट और हम खुद गाँव में जो अवेयरनेस प्रोग्राम लेके जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, चाहे वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो या हेल्थ अवेयरनेस का या कोरोना के प्रति जागरूकता का, हम इतने लोगों से मिले और थैंक्स टू गॉड कि मतलब सब कुछ सही रहा। तो इसके पीछे एक तो हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, हमारे एल्डर्स की ब्लेसिंग्स है और साथ में हमारा डाइट प्लान है। तो आपको हम वो स्टैंडर्ड डाइट प्लान बनाने आ रहे हैं कि जिसको अगर आप कोई भी यूज़ करता है, नॉर्मली भी आप यूज़ करते हैं, तो आपका इम्यूनिटी बेस्ट होगा। इम्यूनिटी अगर बेटर होता है तो ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, अगर वो मजबूत होगी तो ऐसे में क्या होगा कि रोग होने की संभावना कम से कम होगी, यानी इम्यूनिटी हमको बूस्ट करने होगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले डाइट्स क्या हैं? ऐसे डाइट जो आपको रोज़मर्रा में अपने किचन में तलाशेंगे या अपने आसपास देखेंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, तो हम उन पर बात करेंगे। तो चलिए पहले दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें कि अगर दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम कहाँ करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट के पहले का जो शेड्यूल होगा, जैसे आपने पानी गर्म किया यानी ल्यूकवार्म वाटर लिया, उसमें क्या करना है आपको, थोड़ा हनी मिला लीजिए और साथ में क्या किया आपने, लेमन ले लिया और साथ में आपने क्या किया, थोड़ा जिंजर के ड्रॉप ले लिए और साथ में सिनेमम ले लिया। तो अगर हम ये चीज़ें लेते हैं तो ये एंटीवायरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन वर्क करती हैं। तो पहला वर्क तो ये कर लिया हमने, यानी स्टेप वन। स्टेप टू में फिर बात आती है कि जैसे हमें आगे क्या लेना है, यानी कि ब्रेकफास्ट में जो हम लेने जा रहे हैं तो हमें क्या लेना है। तो अगर आप बात करें तो आप ब्रेकफास्ट में जनरली हम सभी के डाइट प्लान में होता है कि हम चाय लेते हैं, तो यहाँ पर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। और ग्रीन टी के साथ में अगर आपको लगता है ग्रीन टी नहीं लेना है, घर पर बनी हुई कुछ लेनी है, तो आप गुड़ वाली चाय और उसमें तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी है, ये मिला करके एक कप अगर आप लेते हैं, इससे भी इम्यूनिटी आपका काफ़ी बूस्ट होगा। इसके बाद ये होता है कि हम और खाने में क्या लें, तो जो अंकुरित चना है और साथ में पीनट्स, अगर आपने ग्राउंड नट्स भी भिगो दिया है, कुछ नट्स भिगो दिए हैं, आप वो ले लीजिए। साथ में अगर हम बात करते हैं जैसे लंच में आपको लेना है तो दाल लिया, रोटी लिया, चावल लिया, सब्जी लिया। सब्जी में क्या है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज करना है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अगर जैसे पालक हो गया, साग वगैरह मिल जाता है तो और बेटर रहेगा, क्योंकि इन लोगों में क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आपको बॉडी के इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। फिर बात करते हैं जूसेस की, तो पोमग्रेनेट जूस है और पाइनएप्पल जूस आप ले सकते हैं। और एक बात और देख लीजिएगा, जो भी जूसेस होते हैं ना, फ्रूट जूसेस हम यूज़ करते हैं तो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो ऐसे में हम एसिड जो कहते हैं ना, एसिडिटी जो वाले फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आपके मिर्च मसाला ज़्यादा हो, तेल मसाला ज़्यादा है या पैक्ड फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है। नेचुरली जो फूड्स हैं उनको लेने की ज़रूरत है। और उसके बाद देखिए, इवनिंग में आप जैसे नट्स, यानी कि आप गड़ी है, छुआड़ा है, किशमिश है, बादाम है, इस तरह की चीज़ें, यानी एलमंड्स वगैरह आप ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं और साथ में पॉपकॉर्न ले सकते हैं, ठीक है आपको। फिर साथ में आप इवनिंग में भी आप हर्बल टी आप ले लीजिए एक कप, ठीक है, ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हम तो रेगुलर ले रहे थे। और साथ में फिर बात करें डिनर में, तो डिनर देखिए हल्का होना चाहिए, ये बात अलग है कि मैं आपको बताऊँ हल्का, लेकिन हम तो कभी कभी डिनर में ज़्यादा ही हैवी ले लेते हैं, अच्छा स्वादिष्ट बनता है तो खा लेता हूँ मैं, ठीक है, डांट भी सुन जाता हूँ मैं घर का, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं खा लेता हूँ, थोड़ा सा हेल्दी इसीलिए। तो इसमें जैसे आप लाइट भोजन होना चाहिए, इसमें जैसे आप खिचड़ी ले सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सूप आप ले लीजिए, साथ में चपाती ले लीजिए, और रात को सोने के पहले आप गर्म दूध ज़रूर लीजिए, गर्म दूध आपको रात को लेना ही चाहिए। तो देखिए ये तो बात हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो मैंने फॉलो करने के लिए कही हैं, मैंने इनमें से 90% चीज़ें फॉलो की। हाँ, एक मेरा माइनस पॉइंट रहा है कि मतलब खाने में थोड़ा जैसे खा लेता हूँ, थोड़ी डांट भी सुन लेता हूँ, घी भी थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, थोड़ा फैट भी है, वर्क भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज पे वो वर्क मेरे चल रहा है, मॉर्निंग वॉक कभी कभी मिस भी हो जाता है, बट अपन फिट होंगे। मैंने एक ही बोला, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स। तो ये प्लान रहा, जिन पेशेंट्स ने फॉलो किए हैं इस रूटीन को, इन चीज़ों को, तो मैंने देखा ना कि वो जल्दी रिकवर कर गए वो, या फिर डिजीज़ उनको होने नहीं पाया।
क्या सबसे महत्वपूर्ण बात रही जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे या जो भी हम लोग काउंसलिंग के दौरान मिले या जो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन वाले मरीज थे, तो या कुछ लोगों को केवल फियर फैक्टर हो रहा था, तो मैंने एक कॉमन चीज़ पाई कि जिन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड था, जिनका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव था, जो अच्छा सोच रहे थे या जिनको लग रहा था कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, हमें कुछ नहीं होगा, तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि अगर वो इन्फेक्टेड हो भी गए तो उनकी रिपोर्ट बहुत जल्दी निगेटिव आ गई। और कुछ लोगों की कहते हैं ना आत्मशक्ति इतनी बढ़िया थी कि जो लोग हमेशा पॉजिटिव अप्रोच में रहते थे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होकर के भी वो रिकवर हो गए, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो मैंने कंक्लूजन देखा कि अगर आपका डाइट प्लान स्ट्रांग है, अगर आप मॉर्निंग इवनिंग लंच जो भी डिनर आप सब प्रॉपर लेते हैं और साथ में आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर पॉजिटिव है, यानी अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, तो 99% चांस है कि आपकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। तो ये मेरा मैसेज भी रहा लोगों के लिए कि और हम लोगों ने कोशिश भी किया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना इन्फेक्टेड है तो उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा जाए, उनके स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखा जाए, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से ऐसे हम खुश होते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं, हम अच्छी बातें याद रखते हैं, हम अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो ऐसे में हमारे बॉडी में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं रोग की संभावना कम होती है। और अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी क्या उसके चांसेस क्या होते हैं, मिनिमाइज होते चले जाते हैं। और कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी डाइट ले रहे हैं तो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो यही मैसेज रहा डाइट का, जो हमने कहा कि जो कोविड इन्फेक्टेड मरीज थे, जो विदाउट कोविड इन्फेक्टेड थे या फिर पोस्ट कोविड इन्फेक्टेड मरीज थे, या नॉर्मली ये डाइट प्लान अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक रोगों से बचा जा सकता है। आगे के सेशन में हम लोग कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप अकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।